हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर मस्जिद से होने वाली ध्वनि प्रदूषण को लेकर सभी मंदिर मस्जिदों को लाउडस्पीकर निकालने की 2 महीने पहले प्रशासन की एक बैठक ली गई थी, जिसमें तय हुआ था कि सभी धार्मिक गुरु स्वयं ही अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को निकाले, जिसके लिए धार्मिक गुरु के द्वारा 1 माह का समय मांगा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी धार्मिक गुरुओं के द्वारा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को नहीं निकाला गया, जिसके चलते लोगों की शिकायतें बराबर प्रशासन को मिल रही थी। वहीं आज नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन में फिर दोबारा एक बैठक की, जिसमें तय किया गया है कि सभी धार्मिक गुरु अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को निकाले, अन्यथा उनके विरुद्ध FIR की जाएगी और 7 साल की सजा का भी प्रावधान रखा है। वहीं कुछ धार्मिक गुरुओं का कहना है कि अभी हम वार्ता करेंगे क्योंकि यह हमारे धर्म के खिलाफ है, हम उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करता है। मंदिरों में तो लाउडस्पीकर नहीं बजते हैं, बाहर वाले केवल अंदर अंदर वाले बजते हैं, मस्जिदों में ही बजते हैं। और हमारे मंदिर में तो अंदर वाले भी लाउड स्पीकर नहीं है, केवल कौशल शर्मा। हमारे इससे पहले जो बैठक हुई थी प्रशासन के द्वारा जो की गई थी, उसमें हमने ये तय कर लिया था कि ठीक है, जब सबके लिए एक नियम है तो हमारे भी, हमने उसी दौरान सारे माइक अपने और लाउडस्पीकर हटा दिए थे। और हम ये भी चाहते हैं कि ठीक है सब, अभी भी कई हमारे घर मंदिर के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ से आवाज़ टकराते हुए आती, कई लोग बजाते हैं, लेकिन सब पे एक ही पाबंदी होनी चाहिए कि भाई ना लगाई, ठीक है प्रशासन ने जो किया है वो ठीक किया है।